इंडियन आइडल में फिर से पवनदीप और अनीता की शादी का किस्सा दिखाया गया। जी हाँ, इंडियन आइडल के मंच पर आए और पवनदीप और अनीता की रोमांटिक केमिस्ट्री और शादी का किस्सा ना बताया जाए तो ये शो का एपिसोड कंप्लीट भी नहीं होता है। जी हाँ, आदित्य नारायण इस जोड़ी को मिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं और एक बार फिर इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप और अनीता का वो किस्सा दिखाया गया जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए और ये भी साबित कर दिया कि अनीता ही राजन परिवार की बहू बनने वाली है और ये रिश्ता अनीता के घर वालों ने भी स्वीकार कर लिया। अनीता ने खुद रिश्ते का हाथ आगे बढ़ाया। दरअसल हुआ ये कि ऋषि और पवनदीप ने एक साथ परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि हर किसी ने खड़े होकर इन्हें सम्मान दिया और तो और इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए पवनदीप के घर वाले तैयार बैठे थे। चंपावत में पवनदीप के घर वाले और आसपास के लोग टीवी पर ऋषि और पवनदीप की परफॉर्मेंस देखने के लिए रात में सब इकट्ठा हुए थे। तभी शो से ऋषि ने लाइव वीडियो पर चंपावत में बात की और सभी ने ऋषि को शुभकामनाएं दी, उन्हें बधाई दी और चंपावत की जनता ने और पवनदीप के पिता ने कहा कि वो ऋषि की परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वो चाहते हैं कि ऋषि ही विनर बने। इतना ही नहीं, पवनदीप के पिता ने पवनदीप से कहा कि तुम अभी से ऋषि को बुक कर दो। वो इंडियन आइडल के शो से निकलने के बाद सीधे चंपावत में पहुंचे अपना पहला शो करने। ऐसे में ये बात सुनकर इंडियन आइडल की जनता और सभी लोग बड़े खुश हुए और बहुत और हंसी के ठहाके लगाने लगे। वही आदित्य नारायण ने यहाँ भी पवनदीप और अनीता के रिश्ते की पोल खोलते हुए बड़ी बात बोल दी। आदित्य नारायण ने कहा कि पवनदीप तुम ऋषि को बुक तो कर दो लेकिन ये एडवांस अनीता देंगी। ये एडवांस पवनदीप के घर से अनीता कांचीलाल करेंगी। यानी साफ है कि अनीता कांचीलाल पवनदीप के घर की सदस्य अभी से बन चुकी है और इस बात पर अनीता की बटुए से 101 रुपए नेक के तौर पर ऋषि को दिए गए जो कि अनीता ने पवनदीप के परिवार की तरफ से खुद दिए। मतलब अनीता भी इस परिवार में शामिल होने के लिए तैयार है। ये सब देखकर शो की रौनक आ गई और इस एपिसोड को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड है। तो आने वाले शनिवार और रविवार को आप पवनदीप अनीता का ये स्पेशल एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर ऐसे ही रोमांटिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। तो फ्रेंड्स, पवनदीप और अनीता का ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। तो वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप जो कि अपनी अनीता को एक स्पेशल तरह से मंच पर बुलाते हैं और अनीता उनकी एक आवाज में चली आती हैं। उसके बाद पवन कहते हैं कि हम दोनों ने आप लोगों के सामने कई परफॉर्मेंस दी, कई ड्यूट परफॉर्मेंस दी और आज फिर हम दोनों कुछ नया पेश करने जा रहे हैं। तभी कुछ लोग बोलने लगते हैं कि क्या शादी करने जा रहे हैं या शादी हो गई है। ये सुनते ही पवन अनीता मंच पर ठहाके मार कर हंसने लगते हैं और हर कोई जश्न मनाने में लग जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे दिल की बात कह दी हो। तभी पवनदीप कहते कि शादी तो नहीं लेकिन जब होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। और अब पवनदीप और अनीता को पता चल ही गया है कि लोग इन्हें शादी के बंधन में देखना चाहते हैं। पहले इस मौके पर आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अनीता कांचीलाल और पवनदीप के कश्मीर से अभी अभी कुछ और भी दिलचस्प फोटो आने बाकी हैं। अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर देखने को मिला था जिसपे पवनदीप अनीता नाव की सवारी करते दिखाई दिए। इनके अलावा पवनदीप अनीता ने भी कश्मीर में क्या तूफानी किया वो सब देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी पवनदीप अनीता की रोमांटिक वीडियो और गाना रिलीज किया जाएगा। गाना रिलीज होने के लिए अभी डेट तो सामने नहीं आई है लेकिन पवनदीप अनीता ने कश्मीर में खूब मौज मस्ती की, एंजॉय किया और एक दूसरे के संग क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। हालांकि इनके पास बहुत कम टाइम था लेकिन फिर भी दोनों ने मस्ती का कोई मौका खाली नहीं जाने दिया। कश्मीर से जो पहला फोटो सामने आया था उसमें अनीता को खूब नोटिस भी किया गया। जी हाँ, कश्मीर यानी चारों तरफ बर्फ की चादर और इस बर्फ में अनीता ने एक स्वेटर तक नहीं पहना, वो बिना जैकेट के सिर्फ एक सूट में दिखाई थी। गर्मियों वाले सूट में अनीता बेझिझक होकर बर्फ पर खड़ी दिखाई दे रही है और फोटो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है और इस बर्फ में अनीता कांपती भी नहीं दिख रही है। जबकि उनके साथ में पवनदीप और टीम के कई लोग हैं जो कि गर्म कपड़ों से खुद को ढके हुए हैं लेकिन अनीता ने एक स्वेटर भी नहीं पहना है। क्या अनीता को ठंड नहीं लग रही है या फिर ये सब शूटिंग के लिए किया जा रहा है?
पवन अरुणिता को एक मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। कल सुबह सुबह ये कश्मीर से वापस लौटे मुंबई और मुंबई आते ही इंडियन आइडल 13 के मंच पर पहुंच चुके हैं। यहाँ शूटिंग करने के बाद फिर ये अपने नेक्स्ट शो के लिए तैयारी करने वाले हैं। जी हाँ, अब जनवरी के बाद पूरी फरवरी भी ये बहुत बिजी रहने वाले हैं। अभी से इनकी पूरी फरवरी के शोज की लिस्ट भी आ चुकी है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जी हाँ, पवन अरुणिता को इंडियन आइडल 13 के मंच पर धमाल मचाते देखा गया। शायली, निहाल तारो, आशीष कुलकर्णी, दानिश के संग पवनदीप अरुणिता ने भी खूब मौज मस्ती की और एक बार फिर इन सभी को एक साथ देखकर इन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए। पवनदीप अरुणिता और इनके पूरी टीम के लोग नए कंटेस्टेंट से मिलकर बहुत खुश हुए। पवनदीप के कुछ पिक्चर्स भी आ चुके और शायली, निहाल, दानिश की मस्ती भरा वीडियो भी देखा जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी ये सब के सब सेट पर ऊट पटांग हरकतें करते दिखाई दिए और हमें उम्मीद है कि दानिश और शायली के जरूर जबरदस्त वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों बिना हरकत किए मानने वाले नहीं है। इन्हीं में से पवन अरुणिता भी खास है और अब पवन अरुणिता के भी ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। अब नजर इस बात पर है कि शादी वाला एपिसोड शूट किया जाएगा, क्या इसमें पवनदीप अरुणिता की शादी कराई जाएगी। जी हाँ, ऐसे सुनने में आ रहा है कि पवनदीप अरुणिता को दूल्हा दुल्हन के गेटअप में तैयार किया जाएगा। अब देखो मेकर्स इन लोगों से क्या क्या करवाते हैं, क्योंकि अभी तक तो मेकर्स ने मंच पर पवनदीप अरुणिता की लव स्टोरी दिखाकर खूब लाइमलाइट बटोरी और टीआरपी में नंबर वन पर भी रहे। अब उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा फिर से ये करने वाले हैं। क्या फिर से पवनदीप अरुणिता की शादी दिखाकर सबकी हवाइयां उड़ाने वाले हैं? वैसे अगर ऐसा हुआ तो अरुणिता के पेरेंट्स को एतराज भी हो सकता है, या हो सकता है कि इस बार अरुणिता के पेरेंट्स इन्हें शादी वाला शूट करने के लिए इजाजत दे दे। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल का कल्याणी से एक बहुत ही प्यारा वीडियो सामने आया जिसमें अरुणिता कांचीलाल पिंक कलर का गरारा पहने दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पिंक कलर पवनदीप का पसंदीदा कलर और अरुणिता ने ये ड्रेस पवन के संग जाकर खरीदी थी। वाकई ये पिंक कलर अरुणिता पर बहुत सूट कर रहा है। अरुणिता बहुत ही प्यारी लग रही है। अरुणिता जब इस सूट को पहनकर मंच पर चढ़ी तो पवन उन्हें देखते रह गए। कुछ देर के लिए पवनदीप ऐसे साइलेंट हो गए जैसे उनके सामने कोई पटाखा फोड़ा गया। वैसे अरुणिता पटाखे से कम भी नहीं लग रही थी। ओपन बाल के साथ अरुणिता ने पिंक सूट पहनकर पवनदीप की हवाइयां उड़ा दी। पवनदीप कुछ देर तक तो होश में ही नहीं आ रहे थे। अरुणिता ने न जाने उन पर क्या जादू कर दिया कि पवन को चारों तरफ अरुणिता ही अरुणिता दिखाई दे रही थी और कई बार तो वीडियो में पवनदीप अरुणिता कांचीलाल का दुपट्टा पकड़ते दिखाई दिए। अरुणिता के दुपट्टे को पकड़कर चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूट का दुपट्टा इतना बड़ा है कि अरुणिता उसे कैरी नहीं कर पा रही है। ऐसे में कई बार पवनदीप ने उनकी मदद की और दुपट्टे की वजह से मंच पर अरुणिता हादसे का शिकार होते होते बची। दरअसल हुआ ये कि मंच पर कई बार अरुणिता का दुपट्टा तार में फंसा और अरुणिता गिरते गिरते बची। उनके साथ हादसा भी हो सकता था। उसके बाद अरुणिता को बिना दुपट्टे के परफॉर्मेंस करनी पड़ी। पहल पवनदीप ने अरुणिता की हेल्प करने में मन खुश कर दिया। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।